नमस्ते दोस्तों, स्वाद का वरदान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से एक बार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेट लॉस सैलेड की रेसिपी। ये हेल्प करेगी आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में और शरीर से फैट को दूर करने में। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। तो सैलेड बनाने के लिए मैंने लिया है एक खीरा, एक देसी टमाटर, छोटा सा प्याज, एक चुकंदर, एक हरी मिर्च और थोड़ी सी पत्ता गोभी को बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। वेजिटेबल्स आपको जो भी खाना पसंद है आप ले सकते हैं, जैसे कि आप गाजर, शिमला मिर्च, पनीर, ब्रोकली या स्वीट कॉर्न कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। अब सभी वेजिटेबल्स को चॉप कर लेंगे, लेकिन पीसेस थोड़े से मोटे मोटे ही रखेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक पीसेस सैलेड में अच्छे नहीं लगते हैं। तो प्याज के बाद खीरे को भी इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। यदि आप डाइट लॉस सेशन पे हैं तो इस सैलेड को ज़रूर बना करके खाइए। इसे खाने के बाद कई घंटों तक भूख नहीं लगती है क्योंकि सभी वेजिटेबल्स जो इसके अंदर हमने इंक्लूड की हैं प्रोटीन से, कैल्शियम से भरी हुई हैं और खाने के बाद बहुत देर तक पेट हमारा भरा रहता है। अब सैलेड को हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली है और हरी मिर्च को हम डालेंगे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप्ड करके। और मेरे ख्याल से आधी हरी मिर्ची काफ़ी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली है। तो अब बारी आती है चुकंदर यानी बीटरूट की। और बीटरूट के बारे में एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि डाइटिंग जो लोग कर रहे हैं उन्हें चुकंदर ज़रूर से ज़रूर अपनी मील में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ना इसमें सिर्फ प्रोटीन है बल्कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन भरपूर मात्रा में है। और चुकंदर को यदि हम एक महीने तक ऐसे भी बिना किसी वेजिटेबल में मिक्स करके यानी सिंपली भी खा लेते हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है वज़न कम करने के लिए। अब जो पत्ता गोभी काट के रखी थी उसे भी सैलेड में मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद बारी आती है टमाटर की। तो टमाटर आप जब भी लें सैलेड के लिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको देसी टमाटर ही मिल जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से जूसी होता है और उसके अंदर जो फ़ायदे हैं हाइब्रिड टमाटर में थोड़े से कम ही मिलते हैं। तो टमाटर जूसी है इसलिए मैंने इसे ही डायरेक्ट सलाद में काट लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पत्ती। धनिया को मैंने पानी में भिगो के रख दिया है ताकि गंदगी इसकी दूर हो जाए और इसे मैं डाल दूंगी सैलेड में। सिंपल सी सैलेड को टैंगी और चटपटा फ्लेवर देने के लिए एक सॉस तैयार कर लेते हैं। एक चम्मच शहद लेंगे। शहद हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए, वेट लॉस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ी सी इसमें जाएगी काली मिर्च, थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। साथ में डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा नींबू। नींबू और शहद के बारे में तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि वेट लॉस करने के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये लीजिए हमारी चटपटी सी सॉस तैयार है सैलेड पर डालने के लिए। लेकिन इससे पहले हम डालेंगे एक सीक्रेट चीज़, यानी कि एक चम्मच फ्रेश दही यदि सैलेड पे डाल लिया जाए उसके बाद सैलेड का टेस्ट डबल हो जाता है। और उसके बाद ये जो सॉस हमने बनाई है इसे डाल देंगे। दही इस सैलेड में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सैलेड के बेनिफिट्स और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं दही डालने से। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चम्मच से ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है तो देसी तरीके से उछाल उछाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसी के साथ पेश है हमारी वेट लॉस सैलेड। देखने में जितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है खाने में उतनी ही टेस्टी बनी है। यदि आप वेट लॉस सेशन पर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि दिन की कोई भी एक मील आप स्किप कर दीजिए और 15 दिन तक लगातार उस मील की जगह प्लेट भरकर इस वाली सैलेड का सेवन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।